हे फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बनाएंगे एक कैमरा ऐप। तो हम एक एंड्रॉयड ऐप बनाएंगे जिसमें एक बटन लगाएंगे, तो उस बटन के क्लिक पे हमारा कैमरा ओपन हो जाएगा और वहाँ से हम फोटो को क्लिक कर सकते हैं और क्लिक करने के बाद वो फोटो हमारी ऐप में आ जाएगी। ठीक है, तो ये ऐप बनाएंगे हम बिल्कुल सिंपल वे में, आपको समझाऊंगा। और वन मोर थिंग, अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक और शेयर कर देना। तो करते स्टार्ट अपनी वीडियो। हेलो फ्रेंड्स, आपके चैनल टेक्निकल सुशील में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बनाएंगे एक कैमरा ऐप। ठीक है, तो उसमें हमने क्या करना है कि बटन पे क्लिक पे हमने कैमरा को ओपन करवाना है और किसी इमेज को कैप्चर करना है। ठीक है, उसकी फ़ोटो क्लिक करनी है हमने। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपना प्रोजेक्ट। तो सबसे पहले हम चलते हैं अपनी XML फाइल में, और यहाँ पर हम बनाएंगे एक बटन और एक इमेज व्यू। ठीक है, बटन से क्या होगा कि बटन के क्लिक पे हमने कैमरा को ओपन करेंगे और वहाँ से जो फ़ोटो को क्लिक करेंगे उसको हम इमेज व्यू में शो करवाएंगे। तो यहाँ पे मैं एक बटन और एक इमेज व्यू जल्दी से बना लेता हूँ। तो देखो फ्रेंड्स, ये मैंने एक बटन लगा दिया, ठीक है, और नीचे मैंने लगा दिया एक इमेज। ठीक है, तो ये इमेज व्यू लगा दिया और ऊपर बटन लगा दिया। ठीक है, तो ये हमारा XML का फाइल हो गया, काम हो गया कम्प्लीट। तो अब चलते हैं हम अपनी जावा फाइल में, और यहाँ पर पहले मैं इसको डिफाइन कर देता हूँ अपने बटन को। ठीक है, तो मैंने बटन की आईडी दी थी क्लिक, और इमेज व्यू लगाई थी मैंने, उसको मैंने आईडी दी थी IMG। ठीक है, तो ये हो गया। और इसके नीचे एक और चीज़ लगानी है हमने, क्या लगाना है कि एक प्राइवेट स्टैटिक फाइनल इंट कैमरा रिक्वेस्ट। ठीक है, तो ये मैंने एक बना दिया यहाँ पे, कि यहाँ पे हमने उसको कोड देना है 1888। ये कोड दे दिया, मतलब ये किस चीज़ के लिए मैंने बनाया कि हमने जब नीचे जाके जब हम रिक्वेस्ट करेंगे ना कैमरा के लिए, तो वहाँ पे इस कोड को यूज़ करना है 18, जो भी मैंने कोड दिया है। ठीक है, तो अब चलते हैं हम अपनी ऑन क्रिएट व्यू फाइल में। यहाँ पे हमने पहले तो जो हमारा क्लिक बटन है इसको मैंने फाइंड व्यू बाय आईडी कर देता हूँ r.id.click, और इमेज को भी कर देता हूँ मैं फाइंड व्यू बाय आईडी r.id.image। ठीक है, अब क्या करते हैं हम कि जो मैंने बटन लगाया था ना उसके क्लिक पे ओपन करना कैमरा। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, जो क्लिक है उस पर सेट ऑन क्लिक लिसनर लगा देता हूँ, अपने बटन पे सेट ऑन क्लिक लिसनर लगा रहा हूँ मैं। ठीक है, तो ये मैंने क्लिक लिसनर लगा दिया। अब इसके अंदर हमने देखो कैमरा ना दो टाइप से ओपन होता है, एक टाइप पहला टाइप है इंटेंट और दूसरा टाइप है API। तो इंटेंट वाला जो है वो काफ़ी सिंपल मेथड है, तो पहले मैं आपको इंटेंट वाला बताऊँगा। ठीक है, तो आज हम इंटेंट के थ्रू कैमरा को ओपन करवाएंगे। तो इंटेंट, इसका मैंने ऑब्जेक्ट बना लिया i=new intent। ठीक है, तो इसके अंदर अब मैं क्या बनाऊंगा, इसमें मैंने यूज करना android.provider.mediastore। ठीक है, क्योंकि हमने स्टोर करना है मीडिया को, मतलब कि यहाँ पे हमने ओपन करवाएंगे कैमरा। ठीक है, तो लास्ट में मैंने लगाना है एक्शन इमेज कैप्चर। ठीक है, तो मैंने एक्शन इमेज कैप्चर करा कि ये क्या करेगा, इंटेंट किसके लिए यूज होएगा, इमेज को कैप्चर करने के लिए। ठीक है, अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, स्टार्ट एक्टिविटी फॉर रिजल्ट। तो स्टार्ट एक्टिविटी फॉर रिजल्ट का मैंने डिटेल में वीडियो बना रखी है पहले, तो मेरी प्लेलिस्ट में चेक करना या फिर डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, वहां से आप चेक कर लेना। स्टार्ट एक्टिविटी फॉर रिजल्ट पे मैंने फुल डिटेल में एक वीडियो बना रखी है ऑलरेडी। ठीक है, तो स्टार्ट एक्टिविटी फॉर रिजल्ट हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, और वहाँ पे हम क्या करेंगे कैमरा से फोटो को क्लिक करके उसको वापस लेकर आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्या यूज़ करना है, जो मैंने पहले इंटेंट के लिए एक ऑब्जेक्ट बनाया था ना आई, तो मैं उसी को यहाँ पे यूज़ करूँगा i, और यहाँ पर क्या यूज़ करूँगा मैं रिक्वेस्ट कोड। तो रिक्वेस्ट कोड क्या बनाया था मैंने अपना, कैमरा रिक्वेस्ट, ये वाला रिक्वेस्ट कोड था ना, जो ये कोड मैं भेजूंगा आगे, तो इसी कोड को मैंने यहाँ पे यूज़ किया। ठीक है, तो इतना काम हमारा हो गया। तो अब मैं आ जाता हूँ ऑन क्रिएट के बाहर आ जाता हूँ, और यहाँ पे एक मेथड बनाऊंगा किस चीज़ के लिए, ऑन एक्टिविटी रिजल्ट, मतलब कि रिक्वेस्ट कोड और रिजल्ट कोड को हैंडल करने के लिए। तो अगर आपने ये मेरी ये वाली वीडियो देखी होगी ना स्टार्ट एक्टिविटी फॉर रिजल्ट, तो उस पर मैंने इसका भी डिटेल में बताया कि ऑन एक्टिविटी रिजल्ट हम क्यों यूज़ करते हैं, बिल्कुल डिटेल में बताया हुआ है। तो यहाँ पे आपको मैं बता देता हूँ कि यहाँ पे हमने क्या करना है कि ये रिक्वेस्ट कोड जब
जब यहाँ से ये रिक्वेस्ट कोड जाएगा इंटेंट के थ्रू, जब किसी नेक्स्ट एक्टिविटी में जाएगा, मतलब कि अब हमारा कैमरा ओपन होएगा, वहाँ से इमेज को क्लिक करेगा और वापस लेके आएगा, तो वो रिजल्ट कोड बन जाएगा और उसको डाटा की फॉर्म में वापस ले आएगा। तो ये जो सब कुछ हैंडल करेगा, कौन हैंडल करेगा? ओन एक्टिविटी रिजल्ट, ठीक है, तो ये हैंडल करेगा। अब इसके अंदर हम एक इफ़ कंडीशन लगाएंगे। कंडीशन में हमने लगाना है इफ़ रिक्वेस्ट कोड इक्वल टू क्या है हमारा, जो हमने कैमरा रिक्वेस्ट किया था, ठीक है, मतलब कि हम जो रिक्वेस्ट कर रहे हैं वो कैमरा रिक्वेस्ट के इक्वल है, ठीक है। अगर है तो हमने इफ़ कंडीशन में क्या बना देना है, बिट मैप यूज़ करेंगे। बिट मैप का क्यों यूज़ कर रहे हैं हम, बिट मैप क्या होता है, इट्स ए फॉर्मेट ऑफ इमेज, ठीक है, तो किसी भी इमेज का एक फॉर्मेट होता है, तो उस इमेज को अगर हमने शो करवाना है तो उसको बिट मैप की फॉर्म में भी हम शो करवा सकते हैं, ठीक है। तो बिट मैप का मैंने यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बना लूँगा, फोटो, फोटो नाम का बनाया ऑब्जेक्ट, और यहाँ पे मैंने यूज़ किया बिट मैप, और यहाँ पे मैं यूज़ करूँगा डेटा का, डेटा कौन सा, ये वाला डेटा जो हमारे पास वापस आया है, ठीक है, डेटा डॉट गेट एक्स्ट्रा डॉट गेट, और इसके अंदर मैंने डाल देना डेटा, ठीक है, ये हो गया। अब देखो फोटो जो है मेरा, फोटो नाम का एक जो मैंने ऑब्जेक्ट बनाया था, इसके अंदर मेरी सारा डेटा गेट हो गया, मतलब कि जो कैमरा में मैं जाऊंगा वहां से क्लिक करूंगा तो वो गेट हो गया इसके अंदर, ठीक है, जो भी मेरी इमेज कैप्चर होगी वो इसके अंदर गेट हो गया। अब इसी इमेज को मैंने कहाँ पे शो करवा दूंगा, जो मैंने इमेज व्यू लगाया था, ठीक है, तो इमेज डॉट सेट इमेज बिटमैप, तो इसमें मैं क्या शो करवा दूंगा, ये जो मेरा फोटो था, ठीक है, इस फोटो के अंदर सब कुछ आ रहा है ना, कि वो जब मैं कैमरा वाले पेज पे जाऊंगा तो वहां पे क्लिक करूंगा, फोटो को कैप्चर कर लूंगा और वो सारा कुछ फोटो में सेव हो गया, और उसी फोटो को मैंने यहाँ पे कॉल कर दिया, बस इतना सा काम था। अब हमारा काम हो गया कंप्लीट, ठीक है, तो अब मैं इसको करता हूँ रन, फिर हम देखते हैं क्या आउटपुट आता है। तो इसको मैं अपने फ़ोन पे रन करूँगा, क्योंकि के जो एमुलेटर का कैमरा होता है तो वो प्रॉपरली हमको दिखाता नहीं है बाहर का सराउंडिंग व्यू, ठीक है, तो अपने फ़ोन पे मैं रन करूँगा, फिर आपको दिखाता हूँ एग्जाम। तो ये मैंने फ़ोटो क्लिक कर लिया सक्सेसफुली, तो मैं यहाँ पे टिक वाले पे क्लिक कर दूँगा, ठीक है, तो मैंने टिक कर दिया, तो देखो फ्रेंड्स ये फ़ोटो आ गई है मेरी, ठीक है, देख रहे हो, ये फ़ोटो काफ़ी छोटी आई है बट ये प्रॉपरली आ गई है फ़ोटो। तो मतलब ऐसे ही हम क्या करेंगे कि कैमरे को ओपन करेंगे और फोटो को क्लिक कर सकते हैं, ठीक है, तो ये फ़ोटो का साइज़ मैंने छोटा दिया, तो आप चाहे तो बड़ा साइज़ दे देना, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये ऐसे हमारी फ़ोटो को मैंने कैप्चर कर लिया, मैं दोबारा इसको ओपन करूँगा, ठीक है, यहाँ पे मैंने कोई भी फ़ोटो दोबारा से मैं क्लिक करूँगा जैसे, ठीक है, तो मैंने जैसे ये फ़ोटो दोबारा क्लिक कर रहा हूँ, ठीक है, ये मैंने क्लिक करी और मैंने टिक किया, देखो यहाँ पे फ़ोटो आ गई दोबारा, मतलब कि ये अब हमारा प्रॉपरली रन हो गया, ठीक है। तो फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर देना, और अगर आप चैनल पर नवे हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना और शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ, तो आने वाली लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहेगी। सो थैंक यू सो मच।